हे व्हाट्सअप पीपल, माय नेम इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, टाटा पंच के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स सामने निकल कर आए हैं और रिसेंटली टाटा कंपनी ने इसका एक टीजर वीडियो भी रिलीज कर दिया था, जिसके अंदर आप इसका एक्स्ट्रा लुक साफ देख सकते हैं। काफी कमाल की लग रही है एक्स्ट्रा से। इसका फ्रंट फीचर भी काफी हद तक जबरदस्त है और रियर से भी ये दिखने में काफी हद तक कमाल की लग रही है। इसके अलावा टाटा कंपनी ने खुद इसके लॉन्चिंग को कंफर्म किया है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको टाटा पंच को बुक करना है तो आप नियर बाय टाटा शोरूम को विजिट कर सकते हैं। आप टाटा पंच को बुक कर सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपीज देकर। तो इसकी बुकिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी है और इसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर मैं टीजर वीडियो की बात करूं तो आप इसका टीजर वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर इसका एक्सटीरियर लुक साफ दिख रहा है। ड्यूल टोन कलर के साथ टाटा पंच को इंडियन मार्केट में उतारा जाएगा। ब्लू कलर और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन आप टीजर वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा टाटा पंच को डीलरशिप पर भी स्पॉट किया जा चुका है, वो इमेजेस में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। इस इमेज के अंदर आप टाटा पंच का कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफी हद तक कमाल का लग रहा है। तो यहाँ पर ये बात कन्फर्म है कि टाटा पंच के अंदर आपको ड्यूल टोन कलर का ऑप्शन मिलेगा एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी। इसके फ्रंट फेशिया की अगर मैं बात करूँ तो इसके फ्रंट फेशिया में आपको काफी कमाल की ग्रिल्स देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसका लाइटिंग का सेटअप काफी हद तक जबरदस्त है। अब इसके रियर में एलईडी टेल लाइट देख सकते हैं ट्रायो शेप में, दिखने में ये काफी हद तक कमाल के लगते हैं। वहीं इसके फ्रंट में एलईडी डीआरएल की लाइन दी जाएगी, हालांकि सेम डीआरएल आपने हैरियर और सफारी के अंदर देखी होगी, लेकिन पंच के अंदर वो डीआरएल की साइज थोड़ी सी छोटी रहेगी। इसके अलावा पंच के टॉप मॉडल के अंदर फुल एलईडी हेडलाइट का सेटअप दिया जाएगा, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर शायद कंपनी हैलोजन हेडलाइट का इस्तेमाल कर सकती है। फंक्शनल रूफ रेल के साथ ये आ जाएगी। इसके अलावा डायमंड कट अलॉय व्हील भी इसके अंदर ऑफर किए जाएंगे। और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, इसके रियर के बम्पर्स, इसके फ्रंट के बम्पर्स और इसकी साइड की क्लैडिंग्स और इसके फेंडर्स, इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके जो बम्पर्स है और इसकी जो साइड क्लैडिंग है, इसकी साइज आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा मस्कुलर इसके अंदर कंपनी ने बम्पर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो इसका एक्सटीरियर का डिजाइन काफी हद तक जबरदस्त है। हालांकि ये एक छोटी एसयूवी कार होने वाली है, लेकिन फिर भी इसका रोड प्रेजेंस काफी हद तक तगड़ा रहने वाला है। वहीं अगर मैं इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो इसका इंटीरियर काफी हद तक कमाल का होने वाला है और इसके इंटीरियर के बहुत सारे इमेजेस और वीडियोज सामने निकल कर आए हैं। इसके इंटीरियर में आपको ड्यूल टोन कलर का थीम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। हालांकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की साइज थोड़ी सी छोटी रहेगी और इसके जो स्पीडोमीटर रहेगा वो एनालॉग फॉर्मेट में आ जाएगा। एंटरटेनमेंट के लिए इस कार के अंदर 7 इंच का स्टैंडिंग टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। हालांकि टाटा कंपनी ने इस कार को 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था, उस मॉडल के अंदर भी सेम साइज का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम था और प्रोडक्शन रेडी मॉडल के अंदर भी आपको सेम साइज का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। तो ये टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम टाटा कंपनी शायद टॉप मॉडल के अंदर ऑफर कर सकती है। इसके अलावा इसके इंटीरियर में और एक अट्रैक्टिव चीज आपको मिलने वाली है, वो है इसके एसी वेंट्स। हालांकि इसके एसी वेंट का डिजाइन कंपनी ने रेक्टेंगल शेप में रखा है, दिखने में काफी हद तक कमाल का लगता है और इसके सराउंडिंग में आपको अलग अलग कलर के पैटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अच्छे खासे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली टाटा कंपनी ने एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर टाटा कंपनी ने यह मेंशन कर दिया था कि टाटा पंच को इंडियन मार्केट में फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च किया जाएगा। कीमत की अगर मैं बात करूं तो टाटा पंच की एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है लगभग 5 या फिर 5.5 लाख रुपए से इसकी कीमत शुरू हो सकती है बेस मॉडल की शोरूम प्राइस। आपको क्या लगता है टाटा की पंच की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।